नागरिक सुरक्षा के आपदा सेवाओं के कमांडिंग ऑफिसरों की परिचयात्मक बैठक जिलाधिकारी विजय किरण आनंद के अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में सिविल डिफेंस के वार्डनों द्वारा जिलाधिकारी को बुके देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान सिविल डिफेंस के उप नियंत्रक सत्य प्रकाश सिंह ने सिविल डिफेंस के कार्यों और उसके उद्देश्य पर प्रकाश डाला तथा बताया कि कोरोना महामारी के साथ सिविल डिफेंस के वार्डनों में सभी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। बैठक में सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन डॉ. संजीव गुलाटी ने जिलाधिकारी को बताते हुए कहा कि आपदा की घड़ी में सिविल डिफेंस के वार्डनों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और आगे भी इस तरह का कार्य करते रहेंगे। बैठक में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह सहित संबंधित अधिकारी और वार्डन मौजूद रहे। सर, नागरिक सुरक्षा सन 1962 में जब स्थापित हुआ था तो गोरखपुर में भी स्थापित हुआ था, और गोरखपुर में सर यहाँ पर 3 डिवीजन है सर। एक डिवीजन में सर 184 की स्ट्रेंथ होती है सर। टोटल 5 आपके स्टाफ ऑफिसर जो हैं संतोष श्रीवास्तव जी हैं, मेजर आलम साहब ने सर ये पहले गोरखनाथ डिवीजन के डिविजनल वार्डन थे। आप सर नगर सत्य हैं सर, आप चौकियाल साहब हैं, चौकियाल जी सर स्टाफ अफसर हैं, मंजीत सिंह साहब हैं, ये भी सर आईसीयू एक पद होता है घटना नियंत्रण अधिकारी सर, आप अनिल कुमार जी हैं, आप भी आईसीयू हैं सर, ऑफिसर हैं सर, आप संजय श्रीवास्तव जी हैं, ये भी आईसीयू हैं, डॉक्टर पी के श्रीवास्तव जी हैं, ये भी स्टाफ अफसर हैं सर, डॉक्टर ध्यान प्रकाश खिलाड़ी जी हैं, ये सिविल लाइन डिवीजन के सर डिप्टी डिविजनल वार्डन है, आप हरि नारायण दुबे हैं सर, ये पोस्ट वार्डन से लिए गए वार्डन है सर, वृंदावन शर्मा जी आप भी आईसीयू हैं, और अतुल मित्तल जी, मैं चाहूँगा ये वेद प्रकाश जी सर हमारे कोऑर्डिनेटर हैं सर, ये विकास जालान जी हैं सर, कोतवाली के डिविजनल वार्डन हैं सर, आप टोटल बिल बता दीजिए प्लीज। साधना श्रीवास्तव जी हैं सर स्टाफ अफसर हैं, मनोहर सुल्ताना जी हैं आप भी स्टाफ अफसर हैं सर कोतवाली से, समीर आलम जी आईसीयू हैं सर, ये आगे हूँ, सौरभ सिंह ये पोस्ट वार्डन है सर, ये सर हमारे डॉक्टर हमला होगा तो सर सिविलियन की रक्षा में ये टीम खड़ी होगी सर। लेकिन सर समय जैसे बदला, 2009 में सर एक्ट में परिवर्तन किया गया, ये जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है सर, एक नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 से ये गवर्न होता है सर, जितने भी ये पद मैंने बताया सर भारत सरकार ने बनाया है, भारत सरकार के ही मार्गदर्शन में विभाग चलता है सर, हम लोग केवल इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी, आप सर जिले के मुखिया है, आप कंट्रोलर है, मैं सर डिप्टी कंट्रोलर हूँ, और ये सर टीम जो है जब भी कोई किसी भी प्रकार की सर आपदा आती है, इसी कोरोना में सर आप ये पूरी टीम आपके लीडरशिप में, मैं तो अपने मुंह से नहीं कहूंगा सर, बताएंगे सर कि इतना जूझ करके काम किया सर, ये 320 लोग प्रतिदिन जैसे सर ये स्विगी वाले सब खाना लेके जाते हैं उसी तरीके से अपनी पीठ पर लाद के पूरे नगर में सर घूमते थे सर। हमारी एक टीम सर वहाँ पे रेलवे स्टेशन पर खड़ा रहती थी, पानी और बिस्कुट लेकर के जो लोग आते थे बाहर से उनका एक फर्स्ट एड किट लेकर के और सब खड़ा रहता था, इसी लाइन की टीम है ये, तुम्हारी की परमानेंट ड्यूटी सर वही थी, तो सर मैं चूंकि डिप्टी कंट्रोलर हूँ मैं ज़्यादा तारीफ करूँगा तो ऐसा ठीक नहीं होगा। और सर जो एक्ट में परिवर्तन हुआ उस एक्ट में सभी आपदाओं में नागरिक सुरक्षा की भूमिका को सुनिश्चित कर दिया गया सर, अब केवल बाह्य आक्रमण नहीं किसी भी प्राकृतिक आपदा में ये लोग लड़ने के लिए तैयार हो गए सर। ये लोग सिविलियन है, कोई इसमें डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, तो ये सर जैसे ड्यूटी की बात कभी कभी आती है कि हम लोग 8 घंटा ड्यूटी नहीं, लेकिन सर वो एक पहरी के रूप में वो खड़े रहते हैं, अब इनका बेहतर जो समाज के लिए योगदान है वो जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ सर कि जैसा कि मैंने कोरोना में देखा सर, अभी सर स्वीप के बारे में सबको स्टेट कर रहे थे, तो सर ये अभी वर्तमान में सर 360 की स्ट्रेंथ है और अभी 183 पर सरकार ने बैन लगाया हुआ है कि अभी उसको ओपन नहीं करेंगे, उम्मीद करता हूँ कि सर आपको फाइट कर रहे हैं जल्दी ही उसमें कुछ निर्णय हो जाएगा, तो वो भी संख्या हमारी सर पाइपलाइन में है वो निकल के आ जाएगी। और दूसरा कि सर ये स्कीम का सबसे बड़ा जो काम अभी पिछले मतदान में सर इन लोगों ने अपने मोहल्ले मोहल्ले निकल करके बहुत ही मेहनत से काम किया और इसका जो मतदान प्रतिशत था बढ़ाने में सर आप
सर पूर्व डीएम साहब ने काफी तारीफ किया था कि इन लोगों ने मोहल्ले मोहल्ले निकल करके सर ये लोग जुलूस निकालते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये काम अभी भी ये सर हमारे चीफ साहब बताएंगे और बाकी सर जो कमांडिंग अफसर की बैठक है वो सर अभी समय से हो जाएगी अभी तुरंत बाद सर। गणतंत्र दिवस में सर ये हम लोग की सारी टुकड़ी जैसे भाग लेती है ऐसे ही टुकड़ी सर एक सिविल डिफेंस की है और जो वेल ड्रेस हो करके और सर वो जैसे पुलिस की पीएससी की सभी की वो सब एक टीम सर वो परेड करती है सर। तो वो भी सर आपका निर्देश होगा तो होगा नियुक्त किया जाता है। तो ये प्रोसेस है और इनकी तीन साल के काम को देखने के बाद ही सर इनके रिन्यूअल होते हैं। इनका परिचय पत्र सर आपके हम सभी गार्डन्स आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं अभिनंदन करते हैं। अपने अपर जिलाधिकारी महोदय का भी हार्दिक स्वागत है। महोदय हमारे जैसे डिप्टी कंट्रोलर ने बताया कि कोरोना में हम लोगों ने करीब करीब 1.25 लाख पैकेट खाने के और राशन के बांटे और वार्डन्स का बहुत ही अच्छा काम इसमें रहा। आने वाले समय में स्थापना दिवस हमारा सिविल डिफेंस का 6 दिसंबर होता है जिसमें कि 1 से 6 तारीख तक शासन के निर्देशानुसार हम लोग सिविल डिफेंस सप्ताह मनाएंगे।